भारत के सभी कपास उत्पादक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और कपास उत्पादक किसानों को कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन की तरफ से मनीष डागा का सादर नमन। कपास की सीजन 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है, 2 महीने हो चुके हैं, पर बाजार में कुछ अजीब सी हलचल चल रही है। एक बाजू किसान कपास को पकड़ के बैठे हैं कि गत वर्ष में जैसे 8, 9, 10, 11, 12 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल हमें कपास में भाव मिले थे, इस वर्ष भी वो मिलेंगे, कम से कम 10,000 रुपये होंगे तो ही हम कपास बेचेंगे, इस उम्मीद में वो कपास को पकड़ के बैठे और आवक नहीं बढ़ रही है। एपीएमसी भी बहुत सारी जगह एक एक महीना लेट शुरू हुई है, फिर भी आवक नहीं है। पर दूसरी बाजू में परिस्थिति कुछ अलग है। आपके जो खरीदार है, चीनिंग फैक्ट्री, सूत गिरनी, कपड़ा और सूते के जो निर्यातकार है, उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किसान मित्रों, उनकी परिस्थिति गत वर्ष में ऐसी थी कि कपास के भाव नीचे थे और सूते के भाव उससे ऊपर थे, कपड़े के भाव बहुत ऊपर थे, तो उनको सतत नफा मिल रहा था, इसलिए वो ऊंचे भाव में खरीदी किए जा रहे हैं। इस साल भाव बाहर जो मूल्यवर्धन चीज़ों के भाव कम है, निर्यात नहीं हो रहा है या बहुत अल्प मात्रा में हो रहा है और सूत गिरनी को बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए भाव बढ़ने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। तो कॉटन गुरु का आप सभी किसान मित्रों से यही सूचन है, हमारी विनंती है कि आप अपना बजट बनाइए, अपना हिसाब करिए, प्रति एकड़ कितना खर्चा आपका हुआ है। ये खर्चा करीबन 11,000 से 25,000 रुपये के बीच में हुआ होगा, तो उस हिसाब से आपका कपास बेचकर अपने खर्चे का नियोजन अच्छी तरह कीजिए। तो 40 से 50% अगर आप कपास बेचते हैं तो ये पूरी संभावना है कि आपका खर्चा निकल जाता है, उसके बाद जो कपास बचता है वो आपको नफ़ा ही देगा। अगर बाज़ार बढ़ता है तो ज़्यादा नफ़ा देगा, बाज़ार कम होती है तो आपको थोड़ा कम नफ़ा देगा, पर आपका खर्चा तो कम से कम निकल जाएगा। किसान को नुकसान किसी हाल में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो जारी किया गया है। दूसरी, गुणवत्ता के बारे में, कपास को जो आप घर पे संभाल के रखते हैं या आपके कोई भी गोडाउन में रखते हैं तो उसकी गुणवत्ता पे पूरा ध्यान दीजिए। कपास गीला नहीं होना चाहिए, कपास का ग्रेड भी ख़राब नहीं होना चाहिए, पीला नहीं हो जाना चाहिए, कचरा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जब भी आप बेचेंगे आपको पूरे पैसे मिलेंगे, बाजार से कुछ ना कुछ ज़्यादा भाव मिलेंगे, ये संभावना है। तो आज विश्व मृदा दिवस जो है, वर्ल्ड सॉयल डे, उस दिन पर कॉटन गुरु परिवार की तरफ से आप सभी को एक बहुत ही अच्छे और समृद्ध सीजन और आगे जीवन के लिए शुभ मंगल कामना।